तो भाई सलमान भाई को जो है लगता है फिर से धोखा मिल गया है। जैकलिन फर्नांडिस का चक्कर किसी कॉन मैन के साथ में है और भाई सुकेश या रुकेश या राकेश पता नहीं कुछ तो नाम है, भाई साहब ने 10 करोड़ का गिफ्ट दिया है। आज तक मैंने अपने लाइफ में 10 करोड़ एक साथ तो भाई नहीं देखे, और कोई मुझे 10 करोड़ गिफ्ट कर दे उसके लिए यार मेरे पास 2 छेद होने चाहिए। तो ठीक है चलेगा कोई बात नहीं, पर मैडम को जो है 15 लाख का एक पर्शियन कैट दिया गया। साला 15 लाख का बिल्ली कौन खरीद रहा है बे, और 52 लाख का घोड़ा, 52 लाख का घोड़ा, ये सब मिलाकर के 10 लाख, 10 लाख का गिफ्ट। अब वैसे ये कौन मैन जो है ना बहुत ही अय्याश लेवल का लगता है, मत और तो और ये बंदा जो है ना सिर्फ कर्व्स वाली लड़कियों पे ही अपने पैसे लुटाता है। जी हाँ, 10 करोड़ अगर जैकलिन फर्नांडिस को दिया है तो साथ ही साथ कुछ गिफ्ट जो है नूरा फातेही को भी दिया है। मतलब समझ रहे हो बंदे को किस लेवल में भाई साहब जो है अपना स्टड पंथी दिखा रहे हैं। मतलब भाई की बेस्ट फ्रेंड को जो लपेटे में ले ले वो भाई किस किस को ले सकता है, समझ रहे हो भाई। ट्विटर पे यही ट्रेंडिंग पे चल रहा है और मुझे एग्जैक्टली नहीं समझ में आ रहा है कि क्यों, सिर्फ इस बिना पे क्यों दबंग से जैकलिन फर्नांडिस निकाल दी गई। ये तो था न्यूज, लेकिन मेरा कुछ सवाल है। सवाल ये है कि क्या भाईजान जो है जैकी, हाँ जैकी दादा ही मैं इनको बोलूंगा, इसको इस पचड़े में से निकालेंगे। मुझे नहीं पता इस ट्रेंडिंग न्यूज के अंदर में कितनी ज्यादा सच्चाई है, लेकिन बहुत सारी फैक्ट्स निकल करके सामने आ रही है। अब देखो यार, यूट्यूबर्स के लिए न्यूज ढूंढ ढूंढ के निकालना बहुत ही मतलब कठिन काम है आज के जमाने में, भले से ट्विटर पर ट्रेंड चल जाए, लेकिन उसी सोशल मीडिया पोस्ट को उठा करके मेन स्ट्रीम मीडिया उसका न्यूज बना दे। ओके, सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड, व्हाट्स योर टेक? अगर आपको पता है ये सारे न्यूज के बारे में तो आपका क्या टेक है कमेंट सेक्शन पर लिख करके बताओ, और चैनल पर अगर नए हो तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल का बटन दबाओ। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय।